स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाल संरक्षण सेवा CPS के अंतर्गत जिला स्तर पे ये संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें एक एक करके बताते हैं कि क्या यहाँ पे जॉब अपडेट निकाली गई है। तो बाल संरक्षण सेवा अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करते हुए इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो पहला अगर बात करें तो ये आपका जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU का ये आपका यहाँ पे अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें से पद का कोड दिया गया है, इकाई दी गई है। पद की अगर नाम की बात करें तो संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देख रेख के लिए ये आपका यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। अगर इसकी बात करें वेतन की तो ये आपका 21,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की तो सामाजिक कार्य मनोविज्ञानिक समाजशास्त्र में ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी सरकारी संस्था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA ये आपके यहाँ पे PGD BA ये सारी यहाँ पे शैक्षणिक अगर योग्यता है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभव की बात करें तो ये आपका ये बाल कल्याण बाल संरक्षण क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होनी चाहिए, जिससे आपको यहाँ पर प्रिफ्रेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट अगर दूसरा पोस्ट की अगर बात करें तो ये जो है आपका पोस्ट विधि सेवा परीक्षण पदाधिकारी का निकाला गया है, जिसमें से 21,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसमें सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या यहाँ पे विधिक में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA की या PGD BA की अगर डिग्री है या ये आपका यहाँ पर डिग्री मेंशन किया गया है, ये डिग्री कोई भी डिग्री आपके पास यहाँ पे है इससे रिलेटेड, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो बाल कल्याण बाल संरक्षण एवं क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव रखी गई है तो आपको यहाँ पर प्रीफ्रेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता का निकाला गया है, इसमें 14,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामाजिक कार्य समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA ये सारी अगर डिग्री रिलेटेड है आपके पास तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया गया है बाल विकास एवं जो कि काउंसलिंग के क्षेत्र में आपका 2 वर्ष का यहाँ पर आपका अनुभव है तो आपको यहाँ पर प्रीफ्रेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये जो है लेखापाल का निकाला गया है, जिसमें से 14,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, जो कि वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या यहाँ पे कंप्यूटर में दक्षता या यहाँ पे टेली का ज्ञान होना आवश्यक रखी गई है, ठीक है। इसमें भी आपका यहाँ पे MCOM अगर आप यहाँ पे किए हुए हैं या MCA किए हुए हैं तो इस तरह के डिग्री आपके पास रिलेटेड है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो सरकारी संस्था या आपका उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष का अनुभव रखी गई अगर है तो आप यहाँ पे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो पोस्ट है जो कि आंकड़ा विशेषक का निकाला गया है, 14,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। सामाजिक कार्य समाजशास्त्र या ये आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 वर्ष का यहाँ पे अनुभव रखी गई है अगर है तो आपको यहाँ पे प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो कि आउटरीच कार्यकर्ता का निकाला गया है, जिसमें से 8,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। ये आपका प्रवेक्षिका उत्तीर्ण यहाँ पे रखा गया है, 2 वर्ष का अनुभव रखी गई है अगर है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकाला गया है, इसमें 9,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसकी अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर दक्षता में टाइपिंग आना चाहिए, जैसे कि हिंदी में 30 वर्ड जो है प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी 3 वर्ष का रखा गया अगर है तो आपको यहाँ पर प्रीफ्रेंस दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो है आपका सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही है, इसमें 9,000 रुपये पर मंथ रखा गया है, जिसमें से ये आपका किशोर न्याय बोर्ड का निकाला गया है, जिसमें से ये आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का ही डिग्री यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी रखा गया है अगर है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड यहाँ पे सभी पद की यहाँ पे नियम और शर्तें बता दें आपको, तो 10th और 12th जो है आपका यहाँ पर उत्तीर्ण होना जो है अनिवार्य रखा गया है, जो कि झारखंड राज्य से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है आपका यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ सारी इंपॉर्टेंट जो है आपको बता दूंगा, जैसे कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो।
यहाँ पे बात करें 7 नंबर, तो जैसे कि आप यहाँ पे आवेदन द्वारा आयोजित जो है पद का संविदा नियुक्ति, ये आपका संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आंतरिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, सत्यापन के जो है चयन के लिए ये आपका निर्धारित रखा गया है कि ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगना है। 1/8/2022 से आपका यहाँ पे गणना की जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आवेदन जो है आपको कब तक करनी है, तो ये 10/10/2022 तक आवेदन जो है आपका यहाँ पे रखा गया है। आवेदन कहाँ करनी है, तो जिला स्तरीय पदों के लिए विदित या आवेदन पद रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई जो कि पुराना आयुक्त कार्यालय, ये आपका दिया गया है निचला तल्ला उपायुक्त आवास के सामने, जो कि मेदिनी नगर जिला पलामू, ये पिन कोड दिया गया है, इस पते पे आपको भेजनी है, ठीक है। तो अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आपको भेज देना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए यहाँ पे आवेदन करते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। आवेदन का जो पता है वो क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है, जिला बाल संरक्षण जो कि पुराना आयुक्त जो कार्यालय निचला तल्ला उपायुक्त आवास के सामने जो है मेदिनी नगर जिला पलामू, ये पिन कोड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया गया आवेदन हेतु किसी भी तरह का यहाँ पे आपको इस PDF को डाउनलोड करना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करनी है, जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। इसे जो है डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट करा लेनी है, प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको अच्छी तरह से इसको फुलफिल करना है, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगानी है, और जो है आपको उस पते पे जो है आपको स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से भेज देनी है। तो आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन था जो कि हम आपको बता दिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो आपको तक पहुँच सके टाइम टू टाइम। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, धन्यवाद।